हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आईसीएस टिप्स। तो देखो आज वीडियो में आपंकर जो ओडिशा अपकमिंग वैकेंसी आसीबार अच्छी टीचर रिक्रूटमेंट रो जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट तार रिलेटेड हम डिस्कशन करवा। तो देखो आज वीडियो हूँ स्पेशल आपंकर ओडिशा जो जेटी सिलेबस रिलेटेड हम डिस्कशन करवा। तो देखो आज वीडियो में कौन कौन डिस्कशन करें मुझे ऑलरेडी आपको कही रखुची। तो देखो फर्स्ट आम डिस्कशन करवा अबाउट जेटी सिलेबस कौन कौन रही है, टोटल मार्क के टोटाल ड्यूरेशन के आउ नेगेटिव मार्किंग कौन रही तार रिलेटेड मध्य डिस्कशन करवा। तो देखो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे आपको गोटे रिक्वेस्ट कर फर्स्ट टाइम पर आप चैनल को विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर थे बेल आइकन को दबाई दिंतु सरल थे आम चैनल नोटिफिकेशन पाइबा। ता सहित जब ये भिडियोटी आपको भल लगुए तो भिडियो को लाइक करूँ और सांग मैं मोस्टली शेयर करूँ। तो डेरी नक चलत भिडियोटी को स्टार्ट करवा। तो देखो जदि मुझे कि आपंकर अपकमिंग जेटी रिक्वायरमेंट कथ तो देखो 2016 मसीह आप लास्ट टाइम पर जेटी रिक्वायरमेंट आसपर देखो आप 2017 मसीह तारीख है कि परठर आपंकर कौन सी वैकेंसी आसी ना। तो देखो तो बहुत पिला माने ऑलरेडी सीटी बी कंप्लीट कर तो आप देखुए कि जो ओटीटी फॉर्म अप्लाई होगी पाखापाखि 1.5 लाख पिला माने के 125,000 पिला माने अप्लाई कर ओटीटी फॉर्म फिलअप। तो देखो 2019 मसीह जो ओटीटी इतना पाखापाखि 45,000 पिला ओटीटी बसी देन एवं रिसेंटली जो बाहर जो ओटीटी तार रिलेटेड जो मिनिमम तो 40-45,000 पिला बाहर। तो यही हिसाब से देखा बेलू रिसेंटली 2 वर्ष भितर आप लक्षे पिला अच्छा तो पूर्व के आपंकर सीटी बी कंप्लीट कर रही। हाँ तो रिक्रूटमेंट आसुनी से गोटे बड़ प्रोब्लेम। तो देखते कि रिक्रूटमेंट आसपा बहुत योजना चली आशा कैर आप रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी आसो भारी। तो देखते जो आप रिक्रूटमेंट आसो तो आपंकर आगुरी कौन होता ना आपंकर मार्क बेसीस सिलेक्शन हो तो एवं आपंकर मार्क बेसीस सिलेक्शन होना तो आपंकर देखते गोटे एंट्रान्स लेवल आपंकर सिलेक्शन कर जोटा कि आपंकर हाईस्कलर कंटाक्ट टीचर मानकर जो होता तो से आपंकर कौन कर एंट्रान्स लेवल आप सिलेक्शन कर। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा कि आउ गोटे कथ कि रखुची आपंकर जो एग्जाम टी कंडक्ट हो आपंकर देखो सिलेबस के भी सिलेबस अनुसार रो तो मुझे ऑलरेडी देखो यार प्रोवाइड करदे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक प्रोवाइड करदे तो आपठार विजिट करेंगे। तो देखो मेनली आपंकर एग्जाम आपंकर एमसीक्यू बेसिस रहा आप 1.5 टा क्वेश्चन रोहर आपको 1.5-2.5 घंटार समय मिल जाए। देखो आप लांगुएज पेपर रोज इंग्लीश ओडिया रोज देखो जो मानकर ओडिया नवाक न चाहूँ से जब उर्दू नहीं पारे ओलीचिक नहीं पारे तेलुगु नहीं पारे तो सेना हूँ ऑप्शनल लांगुएज गुड़ा रही है तो इंग्लीश हूँ जनरल लांगुएज जोटा कि आप समस्त देवा पड़ो। तो देखो तो आज पर यहाँ हूँ आप कौन पाई ना आपंकर केवीएस रिगार्डिंग रहा भलसे डिटेल्स बुझेदेवि केवीएस जहाँ जहाँ सिलेबस था से ही रिलेटेड आपंकर सिलेबस रहा जब केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपड़ डाउनलोड करा चाहते तो देखो ये जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दी। तो ये जो डाउनलोड लिंक पर अच्छी तो डाउनलोड पर क्लिक कले आपने केवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पारे कि जोटा कि आपंकर एग्जाम 2018 मसीह कंडक्ट होता बुझला। तो देखो आपंकर फास्ट मेन तो आपंकर आसो रिजनिंग रिजनिंग 10 मार्क आसो जीके और करेन्ट अफेयर 10 मार्क आसो कंप्यूटर 10 मार्क आसो पेड़ागोजी 10 मार्क 20 मार्क आसो तो यहपर हिसाब से 50 मार्क आसो। देखो आउ गोटे कथ कही रखुची कि इंग्लीश आप दुईटा पार्ट्रे आसो गोटे हूँ पार्ट वन आसो तो पार्ट वन आउ गोटे हूँ कंटेन्ट बेस आसो। तो देखो ये तीन टाइम आप कंटेन्ट बेस आसो ता सहित इंग्लीश 10 मार्क कंटेन्ट बेस आउिया 10 मार्क कंटेन्ट बेस आसो। तो देखो केवीएस कौन हुए ना ओडिया रुहे नहीं तो ओडिया न रही कौन रुहे आपंकर हिंदी रुहे हिंदी आप कंटेन्ट बेस 10 मार्क क्वेश्चन आसी था। तो जब आम कंटेन्ट बेस देखा इंग्लीश्रु 10 मार्क क्वेश्चन आसो कंटेन्ट बेस रु आउ जनरल इंग्लीश आप 10 मार्क क्वेश्चन आसो कंटेन्ट बेस जो आसो आप गोटे पैसेज देखो तार रिलेटेड 5 टा क्वेश्चन देखो देन आप ग्रामर रिलेटेड किसी क्वेश्चन देखो। तो देखो मेन तो हूँ आप कंटेन्ट बेस आप प्रिपेयर करते ओवरअली आपंकर ओटीटी और सीटी जो इंग्लीश प्रिपेरेसन करते हैं इंग्लीश को प्रिपेरेसन करूँ आउ तार सिलेबस डिटेल डिस्कसन करवा। तो ओडिया देखो आप 20 मार्क आसो मैथ 20 मार्क आसो ईवीएस 20 मार्क आसो साइंस 20 मार्क आसो कि जोटा हूँ आपंकर केवीएस ऑलरेडी आसी था मैथ साइंस मैथ 20 ईवीएस 20 और साइंस 20 मार्क आसी था। ईवीएस देखो आप मेन तो हिस्ट्री ज्योग्राफी और एनवायरमेंट स्टडी रिलेटेड किसी क्वेश्चन रोहत साइंस आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रो देखो तो हाई लेवल क्वेश्चन आसने मीडियम लेवल क्वेश्चन आसो। तो मुझे ऑलरेडी कही रखी कि जब आप केवीएस कोई टाइप क्वेश्चन है जब से देखा चाहते तो ऊपर रही जाए। तो देखो आप केवीएस पैटर्न ही आपंकर एवर्ष एग्जाम कंडक्ट करा जीव। तो देखो जदि आम देखा कि डिटेल सिलेबस उपर तो जनरल करंट अफेयर कौन कौन आप क्वेश्चन आसो। तो देखो इंपोर्टेंट डेट आसो बुक एंड ऑथर आसो अवार्ड्स एंड हनर आसो देन हूँ आप बजेट एंड 5 ईयर प्लान रु क्वेश्चन आसो जनरल पॉलिसीज आसो करंट अफेयर आसो नेशनल एंड इंटरनेशनल रु आसो करंट अफेयर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल आसो इकोनोमी आसो कैपिटल एंड ऑफ इंडिया आसो
ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆସିବ, ସାଇନ୍ସ ଇନଭେନ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କୋଭରି ଆସିବ, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ବାହାରିବ ତ ଲାଷ୍ଟ 4 ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେବେ, ଆପଣ SSC କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। SSA ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ଅଛି ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପଲିସି ଯାହା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5-ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହନର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହନର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଲାଷ୍ଟ 2 ମନ୍ଥର ଦେଖିଦେବେ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ବୁକାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ତ 12ଟାରୁ ଏ 7ଟା ଟପିକକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟଲି କ୍ରାକ୍ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ନୋଟିଫିକେସନ ଯେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେବେଠାରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମନ୍ଥ ରହିଲା, ଯଦି ଆଶା କରୁ 1 ମନ୍ଥକୁ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଲାଗିବ, ତ ସେଇ 1ରୁ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଥିବ, ତ ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ତ ଯେବେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଲା ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋଷ୍ଟଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ସ୍ପୋର୍ଟସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସରୁ 2ରୁ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଲେଇଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କି ରିଜନିଂ, ତ ରିଜନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ନର୍ମାଲ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ରହିବ, ଲେଟର ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ ରହିବ, ମିରର ଇମେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇମେଜ୍ ରହିବ, ମିସିଂ ଫିଗର ରହିବ। ତ ଆନାଲୋଜି ହେଉଛି A:B, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାକୁ ମିଳିବ, ବି ସିର ମାନ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆନାଲୋଜି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଡିରେକ୍ସନ୍, କୋଡ଼ିଂ, ଡିକୋଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଜୋନିଂର ଟପିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ନା ଏଇଥର କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟ୍ରେସି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟ୍ରେସିରୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ବେଶୀ ବି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ରହିବନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟ୍ରେସି। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଉପରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟ ଉପରେ ରହିବ, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ଅଛି, ପେଣ୍ଟ ହେଲା, MS Word ହେଲା, ତାପରେ MS Office ହେଲା, ତାପରେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିଲା, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରହିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ରହିଲା, ସର୍ଟକଟ୍ କି ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରହିଲା, ତ ଆଧିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ବି ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ପଚାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ୍ କି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଡୁ, ରିଡୁ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, କପି ପେଷ୍ଟ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସର୍ଟକଟ୍ କିରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ାଗୋଗି, ପେଡ଼ାଗୋଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଡ଼ାଗୋଗିର 4 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଗିର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡ଼ାଗୋଗିର କମ୍ପଲସରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କରିକୁଲମରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ଦେହରେ। ଦେନ୍ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମେଥଡ଼ ଦରକାର, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମେଥଡ଼ ଦରକାର, ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ମେଥଡ଼ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ମେଥଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ଭିତରେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଜେଣ୍ଡର ୱାଇଜ୍, ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପେଡ଼ାଗୋଗିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ, ତ ଜେନେରାଲ ଇଂଲିଶ କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭର୍ବ, ଟେନ୍ସ, ଭଏସ୍, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଟିକଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ, କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ତା ରିଲେଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆସିବ, ଆଡ଼ଭର୍ବ ଆସିବ, ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍, ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେବ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଏରର୍ ଅଛି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ରହୁଛି, 1-2 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ତାପରେ ଭୋକାବୁଲାରି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରାଲି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଣ୍ଟୋନମିରୁ ଗୋଟେ, ସିନୋନମି ଗୋଟେ, ଆଉ ଆଇଡ଼ନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଇଏ 3ଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଆଣ୍ଟୋନମି ଏବଂ ସିନୋନମି ଆଉ ଆଇଡ଼ନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜ୍ ପଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜର ସେ ୱାର୍ଡ଼କୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତ ତା'ର ସେନ୍ସ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ସିଲାବସ୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ହିଁ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର OTT ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ଆସେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ଆସିବ, ଏବେ ସେ ହାର୍ଡ଼ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆସିବ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆସିବ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆସିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ, ତା'ର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଲେଖ, ଅଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଲେଖ, ତା ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଥିବ, ଉପସର୍ଗ ଦେଇଥିବ, ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କ୍ରିୟା ଅବୟ ସର୍ବନାମରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କି ମ୍ୟାଥ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 20 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମ୍ୟାଥ୍ର 20 ମାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ,
तो सिंप्लीफिकेशन पर डेसिमल एंड फ्रैक्शन मध्ये क्वेश्चन अच्छे। तो ये देखो ये जो रही तीनटा ये सब नंबर सिस्टम रिलेटेड ही आपंकर आसवर देन आसो एससीएफ एंड एलसीएम रो क्वेश्चन देखिए एससीएफ एलसीएम आपंकर मे भी क्वेश्चन बोले पारे तो बेसी भी किसी हार्ड नहीं एससीएफ एलसीएम तो मेन हूँ आपंकर परसेंटेज खेल हम अधिका देन आपंकर आवरेज क्वेश्चन रोज रेसीो प्रोफेसन रोज परसेंटेज रोज देखो परसेंटेज आप्लिकेशन अफ परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है ये सब हूँ परसेंटेज रिलेटेड आपंकर आसो दुई तीनो क्वेश्चन कंपलसरी आपको देखा मिल पाए ट्रेन एंड टाइम देखा मिले डिस्टेंस एंड टाइम किसी क्वेश्चन देखा मिले बोट एंड स्ट्रीम रोटे क्वेश्चन देखा मिले तो पाइप एंड सिस्टम देखा मे भी मिल पाए नाइदर मिली न पाए यहाँ आपको आईदर पढ़ा चाहते पढ़े नाइदर एक्सक्यूज करेंगे देखो बोट एंड स्ट्रीम डिस्टेंस एंड टाइम ट्रेन एंड टाइम आदर कंपलसरी आपको गोटे गोटे क्वेश्चन देखा मिले टाइम एंड वर्क क्वेश्चन देखा मिलेपर हम मेन्सुरेशन देखिए सरफेस एरिया क्वेश्चन मिलेगा मिले वॉल्यूम किसी मैंने प्रोब्लम आपको देखा मिले प्रोब्लम मैंने एज देखा मिले मिक्सचर एंड एलिगेशन किसी क्वेश्चन आसपे और लाइन्स एंड एंगल किसी क्वेश्चन आसपे जोटा कि आज आपंकर बेसिक ज्योमेट्री किसी क्वेश्चन आसो लाइन्स एंड एंगल्स विथ बेसिक ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्री हूँ आपंकर जो रहा वृत्त चतुर्भुज चतुर्भुज जो प्रकार भेद त्रिभुज प्रकार भेद किसी क्वेश्चन आसपे तो रिलेटेड मत किसी क्वेश्चन देदेव नाइतर जमी आपर उठे वृत्त दे किसी गोटे कोणर आंगेल पचार देव तो यही टाइप मत किसी क्वेश्चन आपको देखा मिले देन देखिए देखो जनरल साइंस तो देखो जदि नुआ गाइडलाइन अनुसार जब आप ओटीटी रिलेटेड एटा करे तो देखो आप साइंस आईस मिसेक रहीदर जदि आप के भी पैटर्न अनुसार करे देन आप जनरल साइंस अलग रोम एनवायरमेंटल साइंस अलग रगुर कही रखुच्छी जदि आप ओटीटी रिगार्ड कैर ओटीटर जो सिलेबस जब से रिगार्ड कैर से पैटर्न व्वज कै तो से पैटर्न व्वज करनी कहीं देखो आप पेड़ाई से मिनिमम मार्क दब देन आप देखो स्कूल्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट को किसी रखिए देन आप कंप्यूटर नॉलेज विषय चेक करार अच्छी करंट अफेयर चेक करार अच्छी रिजनिंग जेकोसी कंपिटेटिव एग्जाम आपत रिजनिंग तो मोस्टली रोल प्ले करे तो आपको पेड़ा मिनिमम 20-30 मार्क देखा मिले तो यही हिसाब से आपको जनरल साइंस किसी आसपे तो जनरल साइंस देखो आप से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो जोटा कि आपंकर ऑलरेडी पढ़ी थे सिटी बही थी तो से सिटी बही ही आपको क्वेश्चन देखा मिले जो आपंकर सिटी गोटे साइंस बही थी पीसी फोर नाम गोटे बही थी ना तो से बही को आप पढ़े तो तार रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसो तार भितर ही किसी क्वेश्चन आसो नाइदर आप क्लास 9 कि क्लास 10 बुक भी फॉलो करते सो मच सो गुड तार बाहर भी किसी क्वेश्चन आसो ना तो देखो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल आसो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आसो स्ट्रक्चर एंड एडाप्शन ऑफ प्लांट आसो फूड्स आसो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसो हेल्थ एंड डिजीज तो ये हूँ आप बायोलॉजी आसो देखो बेस भी हार्ड आसो ना आप बेस भी ओरीड हम ना जब आपने डे टू लाइफ आज प्रिपेरेसन कर सो मच सो गुड हम आपको एक्जाम क्रैक कर आहरी सुविधा हम देन आसतु देखो डिफरेंट केमिस्ट्री देखा तो डिफरेंट टाइप अफ मैटर आसो तो पदार्थ विभिन्न अवस्था जो अच्छे आसो जो मिश्रण किसी क्वेश्चन देखा मिले आपको मॉलिक्यूल्स एंड एटम देखा मिले केमिकल रिएक्शन किसी क्वेश्चन देखा मिले देखिए फिजिक्स तो फिजिक्स देखो आप मोशन रू आसो जो गति रहा डिस्प्लेसमेंट आसो वेलोसिटी आसो एक्सीलरेशन आसो डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी जो ग्राफ आसा हूँ इंपोर्टेंट आपने गोटे ग्राफ आदि कंपलसरी आपको देखा मिले फोर्स एंड मोशन क्वेश्चन आसो वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन आसो देन हूँ आप प्रेसर क्वेश्चन आसो तो ये हूँ आप ओवरऑल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन जोटा कि हूँ आपको इंपोर्टेंट अच्छे तो देखो आपको डिटेल्स पढ़ा ना क्लास 6-7 बही नहीं भलसे पढ़ी दिखाँ नाइदर जब क्लास 6-7 6-7 बही पढ़ा आदि देखो सफिसीय डाटा आपको मिल जाए कारण देखो आप जेहतुटा पीआरटी लेवल ऑफ परीक्षा ना तो आपको 10th आ 9th बुक फॉलो करा पड़े नहीं खाली 6-7-8 बुक फॉलो करते दि बेस्ट रही है आप ये सब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट कहे से सब्जेक्ट क्लास 6-7-8 बुक फॉलो कर प्रिपेरेसन करते आप मोस्टली क्राक करेंगे आप अपकमिंग एग्जाम को तापर देखो एनवायरमेंटल साइंस तो एनवायरमेंटल साइंस आपंथे कि आपंकर जो पीसी फाइव थी तो पीसी फाइव ऑलरेडी स्टोन एज भेदिकेड मेडिकल एज ये रिलेटेड अच्छी तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इंडिया एंड ओडिशा तो ओडिशा मध्य किसी द फ्रीडम मूवमेंट इन ओडिशा एंड इंडिया दुईटार देखा पड़ो तो ओडिशा में जेहे आम ओडिशा एग्जाम दबा तो ओडिशा लेवल में किसी क्वेश्चन देखा मिले सहित देखो गवर्नमेंट सिस्टम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्वेश्चन आसो स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन आसो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन आपको देखा मिले ये हूँ आपंकर गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहा देन रोचे देखो आपंकर आसो भूगोल रिलेटेड जब आम देखा एर्थ एंड स्ट्रक्चर क्वेश्चन आसो अक्षांश द्रव्यमान लाटिट्यूड एंड लग्निट्यूड आसो क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर क्वेश्चन आसो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल जो आम रहा कि संबल सदुपयोग करेंगे तार रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसो फिजिकल फीचर ऑफ ओडिशा एंड इंडिया देखो ये आप फिजिकल फीचर ओडिशार आयतन आकार आकृति ये आप जनरल नॉलेज जाए ना आप आधे
ପକେଇ ପାରେ। ଫିଜିକାଲ ଫିଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନଦୀ ରିଲେଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ମେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି। କେଭିଏସ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି ଆସୁଛି। ଯଦି କେଭିଏସ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଫଲୋ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କି ଯେଉଁ ଜନଗଣନା 2011 ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଯାଇଥିବେ। ତ ଯେଉଁ ଜନଗଣନାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2018 ଯେଉଁ କେବେ ହେଇଥିଲା, ତାଦେହରୁ 4 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜନଗଣନାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, 4 କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିପାରେ, ତ ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଭରାଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଟର୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପକମିଂ SSA ର ବା ଜୁନିୟର ଟିଚର୍ର ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ KVS ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପେପର୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏ ଜାଗାରେ KVS ର ପେପର୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।